तहसीलदार साहब की खिदमत में गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप रियासत हैं और हम औलाद की तरह हैं, और औलाद को पालना पोसना यह रियासत का काम होता है। हम लोग बस्ती मुंदरानी से यहाँ पर पैदल मार्च करते हुए आ रहे हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि इस वक्त हम शदीद खतरे का शिकार हैं। क्या रियासत जो इतना काम करवा रही है वो उस रियासत को 9 किलोमीटर दूर बस्ती मुंदरानी नजर नहीं आ रही? हमारे पास पुल नहीं है, अगर नहर आ जाए तो हम आगे दूसरी बस्ती में अपने मगरबी साइड पे जाने के रवादार नहीं है, हम जा नहीं सकते। इसका कौन जिम्मेदार है? वजीर आला उस्मान बुज़दार साहब से गुजारिश है कि ये जो संगल कटाओ जिस तरह से ये नहरें आ रही हैं, अगर दो चार और आ गई तो न सिर्फ हम डूबेंगे बल्कि बस्ती सोकर के रिहायशी भी इससे मुतासर होंगे। अरबों रुपए का तौसा शरीफ में काम हो रहा है, लेकिन खुदारा इस वक्त हम बहुत ज्यादा खतरे में हैं। हमारी बात को सीरियस लिया जाए, हम वजीर आला हाउस की तरफ जाना चाहते थे लेकिन वहाँ मुख्तार बुज़दार साहब बीमार हैं, इस वजह से हम अभी मौकूफ कर रहे हैं। हमारी गुजारिश है हुकूमत वक्त से, हमने पीटीआई को सपोर्ट किया हमेशा हर जगह पे, आज वक्त है कि रियासत हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी पूरी करे और हमें अच्छी तरह से, हमारा एक ही मुतालबा है कि सुपर बंद तामीर किया जाए ताकि हम डूबने से बच सकें। कि तौसा शरीफ के अंदर जितने काम थे पैन बहुत ज्यादा जरूरत को ज्यादा काम थे पैन, लेकिन बस्ती मुंदरानी इंतहाई महरूमी का शिकार है और उसका कई किस्म का काम नहीं आया। असाजा पैदल मार्च का मकसद ये है कलमा चौक को वजीर आला हाउस तक कि असा वजीर आला उस्मान बुज़दार को तवज्जो दिलाऊं कि बस्ती मुंदरानी भी तौसा के अंदर है और ये महरूमिया का शिकार है। ई टाइम अगर बस्ती मुंदरानी की हालत पूरी ठा बन जाए तो संगड़ की कटाव की ऐसी कैफियत है कि संगड़ कटाव अगर दो चार दीवारें तक एक डू अगर यो ना आ गई जिमें पहले आई है, अगर ए बी आ गई तो वसी मुंदरानी कटाव की शदीद शिकार थी वैसी और उनका नुकसान है थी वसी मुंदरानी का तबाह थी उनके नाल नाल सौकड़ और बुगलानी का भी बहुत सारा नुकसान थी। ई टाइम वसी मुंदरानी और संगड़ के दरमियान जरी हिफाजती बंद की जरूरत है वो इंतहाई शदीद जरूरत है। ये हिफाजती बंद आम कमे की कार नहीं बल्कि हिफाजती बंद के अंदर हंगामी सूरत होते हैं और जरूरत मतलब एमरजेंसी हालात से नजर इको हिफाजती बंद को तामीर किया वे। असा वजीर आला उस्मान बुज़दार ने बहुत तारीफ करें तो बहुत ज्यादा काम करें तौसा शरीफ के अंदर, लेकिन ये काम वो काम है ये आम कमे की कार नहीं बल्कि ये काम को इंतहाई सीरियस किया वे। बस्ती मुंदरानी को ढाल लगी खड़ी है, जो है संघर्ष सारा है नजदीकी बस्ती को लोड़न वास्ते तैयार की गए, आबादी वाह ठाए गए, 17,000 कनाल जमीन ठाई गई है। मौजे मुंदरानी दी सीएम साहब को एसी साहब को अपील करें हूं सकू बस्ती सालम ठावण से आ गई है, घर साढ़े ठावण से आ गए, वाह सा वसैल खत्म थी गए, मेहरबानी करके सकू बन सिपर इदा महफूज किया वे और बन दिते वन बराए मेहरबानी शफकत हो। उधर से काम एक्सेस हो रहा है तो मैं अभी जो एक्सीएल साहब है हमारे कंस्ट्रक्शन के उनसे भी रब्ता करता हूँ, एसटीओ साहब को बुलाता हूँ कि वो विजिट कर लें आज में कल में, और साथ ही जो भी हैवी मशीनरी रिक्वायर्ड होगी या जो भी हमें मैक्सिमम लेवल ऑफ मैयर्स रिक्वायर्ड होगा वो सारी हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि सीएम साहब का यही हुक्म है, उनकी यही डायरेक्शन थी कि ये आवाम उनकी है, आप सारे उनके बच्चे हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, वो करेंगे इंशाल्लाह करा देंगे आपके हमारे में। सीएम साहब जिंदाबाद, सीएम साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब और एजी, ये सुकून से सोए ये नहीं हो सकता, जहाँ जहाँ पर कट है मैंने सारा कुछ बता दिया गवर्नमेंट को, और आप यकीन करें कि सीएम साहब आए थे इधर डीजी खा में तो उनको उस वक्त मुझाने का मेरी बात हो गई है। अभी मैं कोशिश करता हूँ कि आज ही मैं टीम मंगवाऊँ एक्सीएम साहब की और एसटीओ साहब की जो कंस्ट्रक्शन के हैं इरिगेशन के, वो दे के हमें एक राय कायम करके दें
کہ اس کا بہترین سولوشن کیا ہے, اس کے مطابق ہم ریکویسٹ کرتے ہیں تاکہ وہ جلدی جلدی کروا لیا جائے. سی ایم صاحب, سی ایم صاحب, وزیر اعلیٰ, وہ نہیں جائے گا, نہیں جائے گا.